हेलो डियर चिल्ड्रंस, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 10.1 ऑफ क्लास 8 मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड राइट द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर। अभी यहाँ पे हमें डिवाइडेशन करना है और हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें राइट डाउन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है 21m², इसको हमें डिवाइड करना है 7m से। तो इस प्रकार से राइट डाउन करते हैं 21m², 21m² को हमें डिवाइड करना है 7m से। तो किस प्रकार से डिवाइडेशन करेंगे, अभी 7m के टेबल को 7m को इस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है ताकि हमें 21m² नंबर मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे नंबर है 7m, 7m को मल्टीप्लाई करना है 7 को। यदि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिल जाएगा, 7 3 21 मिल जाएगा। यहाँ पे m है लेकिन हमें यहाँ पे 21m² चाहिए, तो यहाँ पे m है। यदि यहाँ पे भी मैं m राइट डाउन करती हूँ तो 7m मल्टीप्लाई बाय 3m, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो 21m² मिल जाएगा। तो यहाँ पे 7m को यदि हमने यहाँ पे 3m से मल्टीप्लाई किया तो 7m इंटू 3m इक्वल टू 21m² मिल जाएगा। अभी यहाँ पे दोनों की सब्ट्रैक्शन की, 21m² माइनस 21m², तो यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया हमें 0। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिल गया हमें, 3m। देयरफॉर वी कैन राइट क्वेश्चन इक्वल टू 3m, रिमाइंडर इक्वल टू 0 0। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, 40a³ डिवाइडेड बाय -10a। अभी यहाँ पे 40a³ को हमें डिवाइड करना है -10a से। अभी यहाँ पे 10a दिया है, यहाँ पे 40a³ दिया है, तो ध्यान से सुनना है बच्चों। यहाँ पे 10a मैंने राइट डाउन किया इस प्रकार से, इसको हमें कौन से तो भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तब जाके हमें यहाँ पे आंसर 40a³ मिलना चाहिए। तो यदि मैंने यहाँ पे 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10 4 40 बन रहे। यहाँ पे a है और यहाँ पे मैंने a² राइट डाउन किया, तो a इंटू a² किया तो a³ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे ये -10 है यानी निगेटिव नंबर है, तो यहाँ पे -10 और यहाँ पे यदि मैंने -4 यानी -10 मल्टीप्लाई बाय -4 किया तो यहाँ पे 40 नंबर मिल जाएगा। यानी -10 मल्टीप्लाई बाय यदि हमने -4 किया तो -40 मिल जाएगा, और a मल्टीप्लाई बाय a² किया तो यहाँ पे a³ मिल जाएगा। यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई बाय -4 किया तो यहाँ पे 40 मिल जाएगा, +40 मिल जाएगा, तो यहाँ पे 40 हो गया और यहाँ पे a³ बन गया, तो इसलिए यहाँ पे 40a³ आंसर मिल गया। इसलिए हमें यहाँ पे -10a² को -4a² से मल्टीप्लाई करना होगा तब जाके हमें यहाँ पे आंसर 40a³ मिल जाएगा। दोनों की हमने सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद रिमाइंडर 0 0 मिल गया, इसलिए हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू -4a² और रिमाइंडर इक्वल टू 0 0। यानी यहाँ पे -10a इसको हमने -4a² से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 40a³ मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे -10a को मल्टीप्लाई किया -4a² से तब जाके यहाँ पे 40a³ मिल गया। दोनों की हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे 0 0 रिमाइंडर मिल गया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, -48p⁴ इसको हमें डिवाइड करना है -9p² से। अभी यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना है बच्चों, क्योंकि थोड़ा अलग एग्जांपल है। -48p⁴ इसको हमें डिवाइड करना है -9p² से। अभी 9 के टेबल में 48 नंबर नहीं मिल रहा है हमें। अभी देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे -9p² नंबर दिया है, ठीक है, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कौन से तो भी नंबर से तब जाके हमें आंसर यहाँ पे 48p⁴ मिलना चाहिए। ये भी माइनस चाहिए हमें, तो यहाँ पे माइनस नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे पी स्क्वेयर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे p² को यदि हम p² से मल्टीप्लाई करते हैं तो p⁴ तो मिल गया। लेकिन अभी यहाँ पे 9 नंबर है और 9 नंबर को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें -48 मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे यदि हमने 16/3 नंबर राइट डाउन किया तो
तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 3, इस प्रकार से मैंने नंबर नंबर राइट डाउन किए, पी स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर इधर राइट डाउन करेंगे, पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पी स्क्वेयर, तो ये पी रेस टू 4 हो गया। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, यहाँ पे देखो माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 16 अपॉन 3 है, तो 3 से 9 को डिवाइड कर लेते हैं, 3 वन जा 3, 3 3 जा 9, यानी माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 16 इक्वल टू माइनस 48, 16 3 जा 48 बन रहे, और ये माइनस साइन है तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन, और पी स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर क्या, तो पी रेस टू 4 मिल गया, यानी यहाँ पे ये आंसर हमें मिल गया माइनस 48 पी रेस टू 4। कब मिला, जब मैंने माइनस 9 पी स्क्वेयर को किससे मल्टीप्लाई किया, 16 अपॉन 3 पी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 16 अपॉन 3 पी स्क्वेयर, तब जाके हमें यहाँ पे आंसर मिला माइनस 48 पी रेस टू 4, इस प्रकार से हमें आंसर मिल गया। अभी यहाँ पे माइनस 48 पी रेस टू 4 है, यहाँ पे भी माइनस 48 पी रेस टू 4 है, दोनों की यदि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये माइनस साइन है तो ये पॉजिटिव साइन बन जाएगा, इसलिए माइनस 48 पी रेस टू 4 प्लस 48 पी रेस टू 4, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या बन गया, 0 0 बन गया। देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू 16 अपॉन 3 पी स्क्वेयर, ये बन गया क्वेश्चन, और रिमाइंडर क्या बन गया, 0 0। देयरफॉर रिमाइंडर इक्वल टू 0 0। इस प्रकार से यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी मिल गया और यहाँ पे रिमाइंडर भी मिल गया। एग्जाम्पल देखते हैं, 40m^5 इसको हमें डिवाइड करना है 30m³ से, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, 40m^5 इसको हमें डिवाइड करना है 30m³ से। तो अभी यहाँ पे 30 नंबर है, यहाँ पे 40 नंबर है, यहाँ पे m³ है, यहाँ पे m^5 है, तो देखो यहाँ पे 30m³ को हमें मल्टीप्लाई करना है कौन से तो भी नंबर से, तब जाके हमें 40m^5 नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे m³ है तो यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया m², m³ को यदि हम m² से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे m^5 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 30 नंबर है और यहाँ पे कौन सा तो भी नंबर चाहिए, तब जाके हमें यहाँ पे 40 नंबर मिल जाएगा। तो यदि मैंने यहाँ पे 4 अपॉन 3 नंबर राइट डाउन किया तो क्या हो जाएगा, देखो अभी ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय मैंने क्या किया है, 4 अपॉन 3 किया है, यहाँ पे ये m³ और m² को पास में लाते हैं, m³ मल्टीप्लाई बाय m², ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या मिल जाएगा हमें, m^5 मिल जाएगा। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 दिया हुआ है, तो 3 वन जा 3, 3 0 जा 0, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या बन गए, 40 बन गए। तो यही हमें चाहिए था 40m^5, इसलिए 30m³ को हमें कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, 4 अपॉन 3m² से, तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 4 अपॉन 3m². अभी ये मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे नंबर मिल गया हमें 40m^5। अभी दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर मिल गया 0 0। देयरफॉर क्वेश्चन इक्वल टू 4 अपॉन 3m², रिमाइंडर इक्वल टू 0 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 5x³ माइनस 3x² इसको हमें डिवाइड करना है x² से, तो देखो किस प्रकार से हम डिवाइडेशन करेंगे, 5x³ माइनस 3x² इसको हमें डिवाइड करना है x² से। तो अभी यहाँ पे x² की टर्म है, यहाँ पे 5x³ है, अभी x² को हमें मल्टीप्लाई करना है कौन से तो भी नंबर से, तब जाके हमें 5x³ चाहिए नंबर, तो x² को मल्टीप्लाई किया x से तो x³ मिल गया, और यहाँ पे कौन सा भी नंबर नहीं है तो यहाँ पे मैंने 5 राइट डाउन किया, तो 5x इंटू x² किया तो यहाँ पे 5x³ मिल गया, तो यानी x² को हमने मल्टीप्लाई करना है 5x से, यदि हमने 5x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे नंबर मिल गया 5x³। अभी दोनों की सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे 0 मिल गया, इसको नीचे लाया तो इसको माइनस साइन थी इसलिए माइनस 3x². अभी यहाँ पे है x², यहाँ पे है माइनस 3x²
देखो एक्स स्क्वेयर दिया हुआ है, एक्स स्क्वेयर को हमें मल्टीप्लाई करना है कौन से तो भी नंबर से, तब जाके हमें माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है हमें पता नहीं है, इक्वल टू आंसर क्या आना चाहिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर आना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर है, लेकिन यहाँ पे माइनस थ्री है, इसलिए यहाँ पे हम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर किया तो माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे माइनस थ्री, यानी एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री इक्वल टू माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर। अभी दोनों की यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव बन गया, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर किया तो यहाँ पे जीरो जीरो हमें रिमाइंडर मिल गया। देयर फोर क्वेश्चन इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री रिमाइंडर इक्वल टू जीरो जीरो। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन हमें फाइव एक्स माइनस थ्री मिल गया और रिमाइंडर हमें जीरो जीरो मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एट पी क्यू माइनस फोर पी स्क्वेयर, इसको हमें डिवाइड करना है टू पी स्क्वेयर से, तो यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं इस प्रकार से, एट पी क्यू माइनस फोर पी स्क्वेयर, इसको हमें डिवाइड करना है टू पी स्क्वेयर से। तो अभी यहाँ पे किस प्रकार से डिवाइडेशन होगा, यहाँ पे टू पी स्क्वेयर है और यहाँ पे एट पी क्यूब है, तो देखो यहाँ पे टू पी स्क्वेयर स्क्वेयर जो नंबर दिया हुआ है टू पी स्क्वेयर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे कौन से तो भी नंबर से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमें एट पी क्यूब चाहिए, आंसर मिलना चाहिए हमें एट पी क्यूब। तो यहाँ पे टू है तो टू फोर जा एट बन रहे, और यहाँ पे पी स्क्वेयर है, पी स्क्वेयर को यदि हम पी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पी क्यूब बन जाएगा, तो फोर टू फोर जा एट और पी स्क्वेयर इंटू पी पी क्यूब, इसलिए यहाँ पे नंबर मिल गया हमें फोर पी, फोर पी नंबर मिल गया। तो टू पी स्क्वेयर इंटू फोर पी किया तो एट पी क्यूब, दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे जीरो। अभी ये वाला नंबर नीचे लाते हैं माइनस फोर पी स्क्वेयर, यहाँ पे माइनस फोर पी स्क्वेयर है, तो अभी फिर से टू पी स्क्वेयर नंबर दिया हुआ है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कौन से तो भी नंबर से, अब आंसर हमें चाहिए फोर पी स्क्वेयर। यहाँ पे पी स्क्वेयर है, यहाँ पे भी पी स्क्वेयर है, यहाँ पे टू है लेकिन यहाँ पे माइनस फोर है, इसलिए हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे माइनस टू, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू माइनस फोर, और पी स्क्वेयर इंटू यहाँ पे कोई नहीं नंबर, तो यहाँ पे पी स्क्वेयर इंटू वन किया तो पी स्क्वेयर, यानी यहाँ पे हमने माइनस टू से मल्टीप्लाई किया तो टू पी स्क्वेयर माइनस टू किया तो यहाँ पे हमें नंबर मिल गया माइनस फोर पी स्क्वेयर, दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे हमें जीरो जीरो रिमाइंडर मिल गया। देयर फोर क्वेश्चन इक्वल टू फोर पी माइनस टू रिमाइंडर इक्वल टू जीरो जीरो। इस प्रकार से यहाँ पे फोर पी माइनस टू जो है वो क्वेश्चन मिल गया और रिमाइंडर क्या मिल गया, जीरो जीरो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे टू वाई क्यूब प्लस फोर वाई स्क्वेयर प्लस थ्री, इसको डिवाइड करना है हमें टू वाई स्क्वेयर से। अभी यहाँ पे टू वाई स्क्वेयर नंबर है, यहाँ पे टू वाई क्यूब है, तो देखो यहाँ पे टू वाई को मल्टीप्लाई करना होगा कौन से तो भी नंबर से, आंसर चाहिए हमें टू वाई क्यूब, तो टू वाई मल्टीप्लाई बाय वाई किया तो टू वाई क्यूब मिल गया, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया वाई, टू वाई स्क्वेयर सॉरी यहाँ पे टू वाई स्क्वेयर था, टू वाई स्क्वेयर इंटू वाई किया तो यहाँ पे टू वाई क्यूब मिल गया, तो टू वाई स्क्वेयर इंटू वाई इक्वल टू टू वाई क्यूब, तो यहाँ पे दोनों के सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे जीरो मिल गया। अभी इस नंबर को नीचे लाते हैं, प्लस फोर वाई स्क्वेयर है, तो अभी टू वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय कौन सा तो भी नंबर, तो हमें आंसर मिलना चाहिए फोर वाई स्क्वेयर, यहाँ पे वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे भी वाई स्क्वेयर है, तो टू को यदि हमने यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया टू टू जा फोर बन गए, तो यहाँ पे हमें प्लस टू से मल्टीप्लाई करना होगा, टू वाई स्क्वेयर इंटू टू किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया फोर वाई स्क्वेयर, तो यहाँ पे दोनों के सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे जीरो मिल गया। थ्री को नीचे लाते हैं इस प्रकार से, अभी थ्री जो नंबर है यहाँ पे टू वाई स्क्वेयर है और यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे टू वाई स्क्वेयर के टेबल में थ्री नंबर नहीं आता, इसलिए ये जो थ्री है वो रिमाइंडर बन गया। देयर फोर क्वेश्चन इक्वल टू वाई प्लस टू रिमाइंडर इक्वल टू, यहाँ पे रिमाइंडर कितना मिल गया, थ्री।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 21x^4 माइनस 14x² प्लस 7x, इसको हमें डिवाइड करना है 7x³ से। तो फर्स्टली यहाँ पे नंबर, फर्स्ट नंबर है 21x^4, तो यहाँ पे इसको हमें डिवाइड करना है 7x³ से। तो 7x³ इसको कौन से नंबर से साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर 21x^4 मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो 7 है, तो 7 × 3 = 21 हो रहे। यहाँ पे x³ है, x³ को यदि हम x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो x³ × x किया तो x^4 और 7 × 3 किया तो 21। यानी 7x³ × 3x किया तो आंसर मिल गया हमें 21x^4। तो अभी यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे 3x, यानी 7x³ को हमने 3x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया 21x^4। यहाँ पे दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे 0 मिल गया। माइनस 14x² प्लस 7x जैसा था उसको नीचे लाए। अभी यहाँ पे 7x³ है और यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे x³ की टर्म है और यहाँ पे x² की टर्म है, इसलिए यहाँ पे हम आगे डिवाइडेशन नहीं कर सकते। देयरफोर क्वेश्चन इक्वल टू 3x, रिमाइंडर इक्वल टू −14x² प्लस 7x। इस प्रकार से हम क्वेश्चन और रिमाइंडर राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 6x^5 माइनस 4x^4 प्लस 8x³ प्लस 2x², इसको हमें डिवाइड करना है 2x² से। अभी यहाँ पे 2x² की टर्म है और यहाँ पे 6x^5 है, तो अभी यहाँ पे हमें 2x² को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे आंसर 6x^5 मिलेगा। तो यहाँ पे 2 है तो 2 × 3 = 6 बन रहे। यहाँ पे x² है, यदि यहाँ पे हमने x³ ले लिया तो x² × x³ किया तो x^5 बन रहे। तो यहाँ पे 2x² जो नंबर है इसको हम 3x³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमें यहाँ पे 6x^5 नंबर मिलेगा। अभी यहाँ पे दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे 0 मिल गया। ये जो नेक्स्ट टर्म है इसको नीचे लाते हैं, −4x^4 प्लस 8x³ प्लस 2x². अभी यहाँ पे फर्स्ट जो नंबर है वो है −4x^4 नंबर है। अभी 2x² को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे ये नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ पे देखो 2x² नंबर दिया हुआ है। अभी इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कौन से नंबर से, तब जाके हमें यहाँ पे −4x^4 नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे −4 है, तो यहाँ पे मैंने −2 राइट डाउन किया, 2 × −2 किया तो −4 मिल गए। यहाँ पे x² है तो यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई किया, x² × x² किया तो x^4 मिल गया। यानी 2x² को यदि मैंने −2x² से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे −4x^4 मिल जाता है, इसलिए हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे −2x². अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे आंसर मिल गया −4x^4। इसकी सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे 0। यहाँ पे आगे की टर्म क्या है, 8x³ प्लस 2x². अभी हमें यहाँ पे 8x³ मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे 2x² है, देखो यहाँ पे 2x² को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे 8x³ मिलता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 4 = 8 बन रहे। यहाँ पे x² है, x² को यदि हमने x से मल्टीप्लाई किया तो x³ मिल गया, इसलिए 2x² × 4x किया तो 8x³ मिल गया, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे +4x। यानी 2x² × 4x किया तो यहाँ पे नंबर मिल गया हमें +8x³। दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे 0 आंसर मिल गया। अभी 2x² की टर्म को नीचे लाते हैं, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे भी 2x² है, तो 2x² × 1 किया तो यहाँ पे 2x² मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे +1 राइट डाउन करते हैं। यानी 2x² × 1 तो 2x². दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर मिल गया। देयरफोर ये जो ऊपर वाली टर्म मिल गई हमें यहाँ पे 3x³
माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, ये क्या मिल गया हमें, क्वेश्चन, और ये मिल गया हमें रिमाइंडर। तो राइट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन और रिमाइंडर। क्वेश्चन इक्वल टू थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन, ये मिल गया हमें क्वेश्चन। और रिमाइंडर, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो जीरो, इस प्रकार से हम राइट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे 25m रेस टू 4 माइनस 15m क्यूब प्लस 10m प्लस 8, इसको हमें डिवाइड करना है 5m क्यूब से। तो अभी यहाँ पे 5m क्यूब है, यहाँ पे 25m रेस टू 4 है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना है बच्चों। यहाँ पे देखो 5m क्यूब दिया है, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है कौन से तो भी नंबर से, और आंसर हमें मिलना चाहिए 25m रेस टू 4। तो अभी यहाँ पे 25m रेस टू 4 आंसर हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे 5 है, 5 को यदि हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 मिल गया। यहाँ पे m क्यूब है, m क्यूब को यदि हम m से मल्टीप्लाई करते हैं तो m रेस टू 4 मिल गया। यानी 5m क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5m किया तो 25m रेस टू 4 नंबर मिल गया। इसलिए यहाँ पे क्या आंसर मिला हमें, 5m से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो राइट डाउन कर लेते हैं 5m क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5m इक्वल टू 25m रेस टू 4। अभी दोनों किस करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे जीरो रिमाइंडर मिल गया। अभी ये जो टर्म बची है इसको हम नीचे लाते हैं, माइनस 15m क्यूब प्लस 10m प्लस 8, इसको नीचे लाए। अभी यहाँ पे माइनस 15m क्यूब हमें चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है 5m क्यूब, 5m क्यूब को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तब जाके हमें यहाँ पे माइनस 15m क्यूब मिलना चाहिए। तो राइट डन कर लेते हैं 5m क्यूब मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे नंबर चाहिए मल्टीप्लीकेशन का, आंसर मिलना चाहिए 15m क्यूब। यहाँ पे m क्यूब है, यहाँ पे भी m क्यूब है, यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे माइनस 15 नंबर है। तो 5 को यदि हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस 15m क्यूब मिल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं माइनस 3। यानी 5m क्यूब को यदि हम माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस 15m क्यूब मिल गया। अभी दोनों की करते हैं सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे 0 0 मिल गया। ये जो नेक्स्ट टर्म है इसको नीचे लाते हैं 10m प्लस 8। अभी यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो ये जो पावर है ये बड़ी है, ये पावर छोटी है, इसलिए आगे हम डिवाइडेशन नहीं करेंगे। देयर फोर क्वेश्चन इक्वल टू 5m माइनस 3। और रिमाइंडर क्या मिल गया हमें, रिमाइंडर इक्वल टू 10m प्लस 8। इस प्रकार से हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी मिल गया और यहाँ पे हमें रिमाइंडर भी मिल गया। रिमाइंडर कितना है तो 10m प्लस 8। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 10.1 कम्प्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।